Dear students of class 5th, this is our 23rd video lecture of class 5th SST. Today, in this video lecture, we will discuss the 6th chapter of SST, and the name of the chapter is Saudi Arabia, the land of hot sand. So, let's start reading this chapter. Saudi Arabia occupies a large part of the Arabian Peninsula to the west of India. ये जो सऊदी अरेबिया है उसने बहुत बड़ा पार्ट ऑक्यूपाई किया हुआ है ऑफ द अरेबियन पेनिसुला, अरेबियन पेनिसुला का, और ये कहाँ पे है, ये है टू द वेस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के वेस्ट में. इट्स नेबर्स आर, और इसके पड़ोसी देश कौन से हैं, इट्स नेबर्स आर कुवैत, इजराइल, इराक एंड जॉर्डन इन द नॉर्थ. नॉर्थ में इसके पड़ोसी देश कौन से हैं, कुवैत, इजराइल, इराक एंड जॉर्डन. द पर्शियन गल्फ, बहरीन एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई, इसकी शॉर्ट फॉर्म है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, एंड कतर इन द ईस्ट. और ईस्ट में कौन सी कंट्रीज हैं, नेबरिंग कंट्रीज, पर्शियन गल्फ, बहरीन एंड यूएई एंड कतर इन द ईस्ट. यमन इन द वेस्ट, वेस्ट में यमन है. द अरेबियन सी, ओमन एंड यमन. इन द रेड सी इन द साउथ, और साउथ में कौन सी है, द अरेबियन सी, ओमन एंड यमन. इन द रेड सी इन द साउथ, साउथ में ये इनकी नेबरिंग कंट्रीज है. मोस्ट ऑफ द सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया का मोस्ट पार्ट जो है, बहुत बड़ा पार्ट, इज ए रॉकी प्लेट्यू. ये क्या है, रॉकी प्लेट्यू, रॉकी प्लेट्यू मीन्स पथरीले पठार है यहाँ पर. कवर्ड बाय अ वास्ट डेजर्ट, और वो किससे ढके हुए हैं, बहुत बड़े डेजर्ट मरुस्थल से ढके हुए हैं. देयर आर हिल रॉक्स ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड ड्यून्स, यहाँ पर हिल रॉक्स ऑफ सैंड मीन्स रेत की पहाड़ियां हैं, रेत की पहाड़ियां हैं, और इनको रेत की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है सैंड ड्यून्स, मतलब रेत के टीले, छोटे छोटे रेत के टीले हैं यहाँ पर. देर इज शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर, यहाँ पर पीने के पानी की, फ्रेश वाटर की कमी है. एस नो रिवर फ्लो थ्रू, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिवर, नदी नहीं बहती है. सो स्टूडेंट्स लुक एट दिस मैप, दिस इज अ पार्ट ऑफ सऊदी अरेबिया, दिस इज सऊदी अरेबिया, दिस पार्ट इज, हेयर इज अरेबियन डेजर्ट, और ये कहाँ पे है, ये इंडिया है, और ये इंडिया के वेस्ट में सऊदी अरेबिया है. यू कैन सी दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, दिस इज इंडिया, और ये इंडिया की वेस्ट में है. यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, रेत ही रेत है, बहुत बड़ा डेजर्ट है यहाँ पर, और ये जो सऊदी अरेबिया है, ये अरेबियन पेनिसुला का बहुत बड़ा पार्ट इसने ऑक्यूपाई किया हुआ है. यू कैन सी दिस ब्राउन पार्ट, दिस इज ऑल आर डेजर्ट, दिस इज सहारा डेजर्ट, दिस इज अरेबियन डेजर्ट, और इंडिया में थार डेजर्ट, और यहाँ पर वेस्ट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, ये ऑस्ट्रेलिया में. यू कैन सी दिस इज नॉर्थ अमेरिका में, यहाँ पर डेजर्ट, साउथ अमेरिका में यहाँ एंड एटाकामा डेजर्ट, और ये है कालाहारी डेजर्ट. दीज ऑल आर डेजर्ट, ये सहारा डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट, इंडिया में थार डेजर्ट, ये जो ब्राउन कलर है जो इस मैप में, ये सभी क्या है, ये दीज ऑल आर डेजर्ट्स. लुक एट द मैप एंड राइट द नेम ऑफ द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, मैप को देखो एंड राइट द नेम ऑफ द बिगेस्ट डेजर्ट, जो सबसे बिगेस्ट डेजर्ट है उसका नेम लिखो. राइट द नेम ऑफ एनी टू डेजर्ट, और किसी भी दो डेजर्ट के नेम लिखो. स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ द मैप यू विल राइट द नेम ऑफ द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड एंड राइट द नेम ऑफ एनी टू डेजर्ट. दिस इज योर वर्क, यू विल राइट हेयर द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ मैप
and the name of any two deserts with the help of this man. Did you know the Atacama Desert in Chile is the driest place in the world? ये जो एटाकामा डेजर्ट है जो अभी हमने मैप में देखा था, दिस इज द ड्राइएस्ट प्लेस, ये सबसे सूखा प्लेस है वर्ल्ड का. देयर हैज बीन नो रेन इन दिस डेजर्ट फॉर द लास्ट 400 ईयर्स. 400 साल से यहाँ पर कोई भी बारिश नहीं हुई है. कहाँ पर? एटाकामा डेजर्ट. और ये कहाँ पे है? चिले में. क्लाइमेट, जलवायु, सऊदी अरेबिया की जलवायु कैसी है? The Tropic of Cancer passes through the middle of the Saudi Arabia. ये जो Tropic of Cancer है ये कहाँ? Saudi Arabia के बिल्कुल middle में से होकर निकलता है. Look at here. This is Saudi Arabia. This is Tropic of Cancer. ये Tropic of Cancer है और ये बिल्कुल Saudi Arabia के बिल्कुल बीच में से होकर निकल रहा है. Look at here very careful. This is Tropic of Cancer and this is passes through द मिडल ऑफ द सऊदी अरेबिया. ये बिल्कुल सऊदी अरेबिया के बिल्कुल बीच में से होकर गुजर रहा है. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द सऊदी अरेबिया. सऊदी अरेबिया हैज ए हार्श क्लाइमेट और यहाँ का जलवायु कैसी होती है? बहुत ही हार्श होती है. इन समर्स, गर्मियों में द टेम्परेचर शूट्स अप वेरी हाई. जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो बहुत ज्यादा शूट अप, मतलब एक ही दम ऊपर उठ जाता है. बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, मेकिंग इट टेरिबली हॉट. और बहुत ज्यादा गर्मी बन जाती है यहाँ पर. द सैंड इज सो हॉट दैट इट बिकम्स टू डिफिकल्ट टू वॉक इवन फॉर फ्यू मीटर्स. और जो रेत है, ये सारा रेतीला एरिया है, यहाँ पर रेत ही रेत है. और रेत होने के कारण यहाँ पर इतनी गर्मी हो जाती है कि यहाँ पर चलना, कुछ मीटर तक भी चलना बहुत मुश्किल हो जाता है. द नाइट्स आर हाउ एवर कूल एंड प्लेजेंट. और जो नाइट्स है, जो रात है, वो फिर भी कूल हो जाती हैं और ठीक हो जाती हैं. स्टूडेंट्स, यू नो जो रेत है वो बहुत जल्दी गर्म होती है और उतनी ही जल्दी से ये ठंडी होती है. इसलिए जब सूरज निकलता है तो रेत बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ का इंक्रीज हो जाता है और रेत पर चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. और जैसे ही सूरज ढलने के बाद जो रेत है वो एकदम से ठंडी हो जाती है, इसलिए जो नाइट्स हैं, नाइट्स आर कूल एंड प्लेजेंट. सऊदी अरेबिया ऑफन रिकॉर्ड्स द वर्ल्ड्स हॉटेस्ट टेम्परेचर एट 52 डिग्री सेल्सियस इन समर. और सऊदी अरेबिया में संसार का सबसे हॉटेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया हुआ है और वो कितना है? 52 डिग्री सेल्सियस इन समर. गर्मियों में यहाँ का जो टेम्परेचर है 52 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है. स्टूडेंट, लुक एट हियर, दीज आर सैंड ड्यून्स, रेत के टीले. दीज आर सैंड ड्यून्स. इन विंटर्स टू, सर्दियों में भी, द डेज आर वार्म, जो दिन है वो गर्म होते हैं. बट एज सून एज द सन सेट्स, और जैसे ही सूरज ढलता है, द लैंड कूल्स डाउन, और जो लैंड है वो ठंडी हो जाती है. एंड द लाइट नाइट्स बिकम कोल्ड, और जो रात है वो ठंडी हो जाती है. There is a sharp difference, और ये बहुत ज़्यादा difference है यहाँ पर between the day and the night temperature. दिन के और रात के temperature में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है. It causes rocks to crack, और इसके कारण क्या, इसका क्या परिणाम होता है? इसके कारण जो rocks होते हैं वो crack होने, टूटने शुरू कर, मतलब टूटने शुरू हो जाते हैं. And break up into smaller particles and sand, और किस में टूट जाते हैं? ये छोटे छोटे particles में और रेत में ये ब्रेकअप हो जाते हैं. सो स्टूडेंट्स, द रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस टुमारो. एंड फॉर टुडे, व्हाट इज योर होमवर्क? यू हैव टू रीड दिस चैप्टर वेरी केयरफुली एंड विद द हेल्प ऑफ मैप राइट द नेम्स ऑफ बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड एंड द नेम्स ऑफ एनी टू डेजर्ट्स. थैंक यू.